यू नो व्हाई चिरू गारू, क्योंकि इस देश और इस देश की जनता। अक्षय कुमार की ओ माय गॉड 2 पर आए सलमान खान का बड़ा रिएक्शन, बताया धार्मिक फिल्म करना तो सही है पर लोगों की भावना का भी ख्याल रखना उतना ही जरूरी है। जी हां दोस्तों, अक्षय कुमार की फिल्म ओ माय गॉड 2 इन दिनों काफी ज्यादा चर्चाओं का विषय बनी हुई है। जब से इसका पोस्टर और टीजर रिलीज किया गया तभी से इस फिल्म को लेकर कोई ना कोई बवाल खड़ा जरूर हो रहा है। इस फिल्म में अक्षय कुमार भगवान शिव के रूप में नजर आएंगे। कुछ समय पहले ही ओ माय गॉड 2 का टीजर रिलीज हुआ जिसके बाद से कुछ सीन को लेकर उस टाइम पे भी आपत्तियां जताई गई थी और इस टीजर के ऊपर कई सारे यूजर्स ने अपनी आपत्तियां जताई थी और भर भर के कमेंट किया था। यूजर्स का कहना यह था कि टीजर में दिखाए गए कई सारे सीन जो है वो हमारे धार्मिक भावनाओं का आहत करते हैं और हमारे भावनाओं को ठेस पहुंचाते। इसी के चलते सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को सर्टिफिकेट देने से भी मना कर दिया था, इसे रिव्यू कमेटी के पास भेज दिया गया था। वहीं दोस्तों एक रिपोर्ट की माने तो कई सीन और डायलॉग में आपत्तिजनक बताया गया था इस फिल्म के अंदर। इस चीज को लेकर के ओ माय गॉड 2 की जो कहानी है उसके बाद ही लीक हो गई थी। वहीं दोस्तों इसकी कहानी के पीछे एक रेडिट यूजर ने जो है अक्षय कुमार की इस फिल्म की कहानी का खुलासा कर दिया था। उस लड़के ने एक वायरल पोस्ट में बताया था कि ये जो ओ माय गॉड 2 की कहानी है वो एक गे लड़के के ऊपर आधारित है। उस लड़के को कॉलेज में उसके सेक्सुअलिटी को लेकर बुली किया जाता है जो कि परेशान होकर आत्महत्या कर लेता है। वैसे दोस्तों अगर बात करूं अक्षय कुमार की तो अक्षय कुमार का जो लुक है वो काफी जबरदस्त लोगों को पसंद आ रहा है और बहुत सारे लोगों को नापसंद भी आ रहा है इनका लुक। लेकिन दोस्तों अक्षय कुमार की जो कहानी है उसके बाद लीक हुई है तब से इस कहानी की जो वैल्यू है वो गिरती हुई मार्केट के अंदर दिखाई दे रही है। बहुत सारे लोग इस फिल्म को काफी एवरेज रूप में ही देख रहे हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको थिएटर के अंदर जाके इस फिल्म को देखना है। दोस्तों अगर आपने अक्षय कुमार के इस फिल्म का टीजर देखा है तो आपको उनका लुक कैसा लगा हमको कमेंट करके जरूर बताएं।